सैया पे विष्णु जी लेटे हुए। ये बहुत सुंदर है। मराठा परेड में इस जगह का जो है 56 गांव के लिए आनंद पवार, पवार स्टेट मराठा दौर में, उस दौर में 56 गांव के लिए भंडारा करवाया था। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम BPS चौहान, मैं हूँ मांडू में, और मांडू में है ये 56 महल, और इस 56 महल में मेनली एक म्यूज़ियम भी है। तो वो म्यूज़ियम और सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ पे क्या अवेलेबल है म्यूज़ियम में। 56 महल 16वीं सदी का महत्वपूर्ण स्मारक है, और नामकरण इसके बारे में बता रहे, आगे डिटेल्स में नहीं दिया। 56 महल के दाईं ओर विश्राम गृह बनवाया गया है, और इस तरह की स्थितियाँ हैं। तो ये उस समय का मेनली यहाँ पे जो है एक म्यूज़ियम है, जो हम पूरा म्यूज़ियम देखने वाले हैं। बाहर की मूर्तियाँ हैं, और लेकिन जो है अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको जिस तरह भी संभव होगा वो सब आपको दिखाऊंगा। तो देखिए 56 महल में ये सारी मूर्तियाँ, और जो इतिहास है हम वो धीरे धीरे यहाँ का पूरा इतिहास जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी जगह, लेकिन इसमें एक म्यूज़ियम है, वो पूरा म्यूज़ियम देखने वाला है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, और मांडू का इतिहास भरा पड़ा है। 13वीं शताब्दी की है बूढ़ी मांडू थार, देखिए। और यहाँ पे इस पे जो है रिनोवेट इसको नहीं किया गया, जिस तरह से है वैसा ही है, पत्थर को जो है चेंज नहीं किया गया है। तो मैं एक बार ये आपको पहले दिखा देता हूँ, सारी पुरानी मूर्तियाँ यहाँ डिस्प्ले में हैं। बहुत ही सुंदर, ये देखिए आप, ये जो मार्बल का स्टैचू है वो अल्टीमेट है इस तरह से। भगवान महावीर, ठीक है, पुरानी बुद्ध, और अपने समय में बहुत अच्छी मूर्तियां रही होंगी ये निश्चित रूप से। अब इसका जो पत्थर है, वो पत्थर की वजह से जो है ये पूरा इस तरह से थोड़ा डैमेज हो चुका है, पत्थर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए इसे कहेंगे ओरिजिनल स्टैचूज़। इनको बिल्कुल भी इन पे प्रिजर्वर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह से चीज़ों को प्रिजर्व करता है, ओ हो, देखिए शेषनाई विष्णु की बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे, ऐसी मैंने कोटा में देखी है राजस्थान में, और उसके बाद में यहाँ देख रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। ये पुरानी मूर्तियाँ यहाँ बहुत ही सवेर के रखी हुई हैं, ये आप देखें, देवी प्रतिमा 13वीं शताब्दी की बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं। देखिए पूरा जो है ऑलमोस्ट कहना चाहिए 13वीं शताब्दी के बाद में ये जो है मूर्ति जो है लगभग समाप्ति की ओर है। इसका जो स्टोन है वो पूरा गल चुका है एक तरह से। यहाँ गणेश जी आपको दिखाऊं, बहुत ही सुंदर गणेश की प्रतिमा देखिए ये है। हम आगे चलते हैं, म्यूज़ियम में अंदर चलते हैं। ये देखिए ये जो है सारा मांडू में जो भी आर्किटेक्चर है, ये मांडू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये मिल जाएगा आपको देखने को। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर यहाँ के म्यूज़ियम को देखने के लिए, तो चलते हैं अंदर देखते हैं कैसे है। जगह को जो है पोस्ट ऑफिस के रूप में स्थापना की गई थी ब्रिटिश काल में। अच्छा, मराठा परेड में इस जगह का जो है 56 गांव के लिए आनंद पवार, पवार स्टेट मराठा दौर में, उस दौर में 56 गांव के लिए भंडारा करवाया था, खाना खिलवाया था 1856 के साल में। उस दौर में पूरे देश में अकाल पड़ा था, उस स्थिति में खाना खिलाने की जगह से इस जगह को 56 महल कहा गया। दूसरी बात, जिस दौर में ये पोस्ट ऑफिस भी रहा था,
अभी वर्तमान में पुरातत्व विभाग ने जो है इस जगह को जो है ये धार महाराज आनंददेव पवार की कोठी है, इसे आदिवासी कल्चर में इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है आदिवासी कल्चर को सजा के रखा है, संजो के रखा है कि आदिवासी ग्रामीण लोगों का जीवन शैली कैसे व्यापन अपना जीवन व्यापन करते हैं, जैसे गांव का नक्शा है, ये फोटो वगैरह जो है गांव के लोगों का दे रखा है। ये उनके जो शादी ब्याह के टाइम पे जो है ढोल मादल वगैरह बजाने के काम में ली जाती है। इन लोगों के मकानों के इस प्रकार की पेंटिंग, जैसे पिठोरा के नाम से जाना जाता है, पिठोरा पेंटिंग है। और ये जो मट्टी के खेल खिलौने हैं बने, हाँ जी, आदिवासी लोगों के लिए के सामान है। हाँ, ये सारे आधार बनने के लिए होता, इस प्रकार के झोपड़े होते हैं गाँव में। ये हाथ घट्टा है, अनाज पीसने के काम में लिया जाता है। अंदर के बाजू में बेडरूम किचन वगैरह बना हुआ है, देख सकता हूँ थोड़ा अंदर, देख सकते हो, अंदर चलिए। ये देखिए छोटी सी जो झोपड़ा होता है आदिवासियों का, वो दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये इनकी किचन है और इतना छोटा छोटा सा झोपड़ा है। जंगलों खाइयों से उठवा के मूर्तियाँ वगैरह जो यहाँ पे स्थापित की गई है, अंदर भी कुछ मूर्तियाँ हैं। ये सब म्यूजियम संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ पे ये परमारवंशी और जैन धर्म की मूर्तियाँ काफी देखने को मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल है, इधर से देखते हुए जाइएगा, फोटोग्राफी करते हुए चले जाइए। वो मैंने देख ली। इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा, जो शेष शाही विष्णु है। हाँ, शेष शाही यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए है। ये धार के पास तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे अमझेरा करके एक छोटा सा गांव है। हाँ, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सर्वेक्षण में इसे पाया गया है खुदाई के माध्यम से। हाँ, ये खुदाई से मिला है, शेष शाही यहाँ पे विष्णु जी लेटे हुए। ये बहुत सुंदर है। तो इस एक और महल के इसके अंदर चलते हैं, और मेनली जो मांडू में है अफगान आर्किटेक्चर और कुछ मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे ये मूर्तियाँ हैं, ये देखिए आप, बुद्ध की मूर्ति मिलेंगी, बुद्ध की हैं, और ये जो बुद्ध हैं 9th और 10th शताब्दी के विष्णु हैं, सॉरी ये विष्णु हैं, विष्णु हैं उनके, चूँकि मुकुट है, मुकुट देख के समझ सकते हैं, और गरुड़ नारायण है। तो बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ यहाँ पे संजो के रखी गई हैं। आवाज़ यहाँ गूंज रही है बुरी तरह से, 10वीं शताब्दी के गणेश। बारहवीं शताब्दी की मूर्तियाँ बहुत ही, 10th और 12th सेंचुरी की जो मूर्तियाँ हैं वो देखिए, वो ऑलमोस्ट ये जो है वैसी स्थिति में है। ये पार्वती की लगभग 16वीं शताब्दी की मूर्ति, इसको ये सुंदर मूर्ति है, 17वीं शताब्दी के द्वारपाल, और 14वीं शताब्दी के हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं, एक सेकंड। मांडव, अच्छा, ये मांडव है। तो इस प्रकार से ये मूर्तियां हैं, और ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो छाप है अफगान और मुगल कालीन जो आर्किटेक्चर है वो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। Thank you.